एग्रीकल्चर ट्रेनर बारामती। साथियों, आज हम लोगों को बताने वाले हैं कि पेस्टिसाइड में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। जैसे अभी कल के पेपर में आया हुआ था कि त्रिलोकपुर में 50 बीघे आलू की फसल हुई खबर, और उसी के साथ में आज के पेपर में आया हुआ था कि बिहार में 350 बीघे एलोवेरा की खेती में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसे पेस्टिसाइड का रोल क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लें, और साथ ही साथ में अगर पेस्टिसाइड में कौन कौन लोग दे रहे हैं, किस दुकान से हम लोग उठा रहे हैं, उनके बारे में अगर हम जान लें तो शायद हम लोग इसके नुकसान के प्रभाव से बच सकते हैं। अक्सर किसान लोग क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे कि किसी भी शॉप पे जाते हैं, पेस्टिसाइड के शॉप पे जाते हैं और वहाँ से दवाई लेके आते हैं और वो अपने खेत में छिड़काव करते हैं उसका, तो उसमें बहुत बड़ा लॉस होता है। हमें सबसे पहले ये कि उस किसान को तो ये पता ही नहीं होता है कि दवाई से एक्चुअल में होने वाला क्या, साथ ही साथ में उस दुकानदार को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है और वो दवाई हमें केवल ये दे देता है कि हाँ ये इस खेती के लिए है या आप इस फसल में इसको डाल सकते हैं, बस हम वो दवाई लेकर के चले आते हैं और अपने खेत में उसका छिड़काव कर देते हैं, और समय के अभाव में इसके विषय में जानकारी नहीं होती है। उसके कारण हम लोग बहुत बड़ी हानि तक को पहुँच जाते हैं और हमारे खेत की फसल को बहुत बड़ा हानि पहुँचता है। और साथ ही साथ हम ये बताने वाले हैं आप लोगों को कि जो भी पेस्टिसाइड हम लोग डाल रहे हैं उससे हमारी फसल पर थोड़ा सा भी अगर फायदा हो भी रहा है, उससे हमारे स्वास्थ्य पर कितना हानि हो रही है, हमारी खेत की मिट्टी में कितना हानि हो रही है। करंटली टाइम में चलने वाली फसल में अगर हमें थोड़ा सा फायदा हो भी जाता है तो आगे आने वाली फसल जो होगी हमारी उसमें हमें कितना बड़ा लॉस होगा, शायद इस चीज़ का अंदाज़ा किसी किसान को या किसी भी शॉपकीपर को ये नहीं पता होता है। और सबसे पहली बात हम ये बताने वाले हैं कि अगर आप पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो दुकानदार से पूछिए पहले कि आपने क्या क्या है पढ़ाई में, आपको इस दवाई के बारे में पूर्ण जानकारी है क्या, जो चीज़ आप हमें दे रहे हैं। तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलेगा कि आप पेस्टिसाइड यूज़ भी कर रहे हैं तो दुकानदार को उसके बारे में अच्छी जानकारी होगी, जिसकी वजह से वो आपको अच्छा 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 दवाई दे सकेगा, जिससे आपकी फसल पर अगर फायदा नहीं हो रहा है तो उससे नुकसान भी नहीं हो रहा है। जैसे कि कल त्रिलोकपुर में ऐसा ही कुछ हुआ, नकली दवाई की वजह से 50 बीघे की फसल खपत हुई, वो भी आलू की फसल थी, और ये तो 50 बीघे की फसल जो वो आया हुआ है जो कि पेपर में लिख के आया हुआ था 50 बीघे का, अब करंटली कितना होगा ये तक तो अंदाजा हमें भी नहीं है, शायद 80 बीघा भी हो सकता है, 100 बीघा भी हो सकता है। और जैसे कि पेपर में आज के पेपर में आया हुआ था कि बिलहना बाराबंकी में 350 बीघे की फसल हुई खपत एलोवेरा की, तो ये 350 बीघे की फसल तो हमें तो लिखा पढ़ी में मिली है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना रहा होगा इसका तो अंदाजा हमें है ही नहीं। अगर साथ ही साथ एक चीज हम बताना चाहेंगे कि हम जैविक मुहिम चला रहे हैं, किसानों को जैविक के प्रति जागरूक कर रहे हैं, और जिस कंपनी के थ्रू हम लोग ये काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है श्री ऑर्गेनिक फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड। इसके थ्रू हम लोग किसानों को जागरूक करते हैं और उन्हें जैविक खेती करने के प्रति प्रेरित करते हैं और उन्हें उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, जागरूक करते हैं। जैसे कि छोटी सी बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि हम आलू की खेती करते हैं ये होता है नॉन ऑर्गेनिक, मतलब जो बिना जैविक के होती है और एक जो ऑर्गेनिक तरीके से होती है, तो इसमें हम आपको सीधा सीधा बेनिफिट दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ लागत के बारे में बताने वाले हैं। जैसे आलू अगर हम नॉन ऑर्गेनिक की खेती करते हैं उससे हमें महंगी से महंगी दवाई लेकर आते हैं, अधिक से अधिक खाद का उपयोग करते हैं और समय रहते अच्छी से अच्छी सिंचाई देने की व्यवस्था भी करते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही मिलता है कि इसमें हमें खाद की मात्रा बहुत कम देनी पड़ती है, उसके साथ में जो दवाइयाँ मिलती हैं इसकी वो भी बहुत सस्ती मिलती हैं, और ये होती हैं एक्चुअल में दवाई जो सस्ती पड़ती हैं, लेकिन इसमें जो दवाई होती है इसका एक्चुअल में नेम जहर बहुत तकनीक जहर की किसी भी कीट पतंगे को ख़त्म करेगा, कोई दवाई किसी चीज़ की जीव नहीं देता, जान नहीं देता है, इसलिए ये होता है जहर जो कि महंगा मिलता है, तो ये कम्प्लीटली हमारे लिए लॉस का कारण बनता है। उसी के साथ में इससे हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इससे अगर हम शरीर की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती है, यानी कि ये शरीर के लिए भी अच्छा है, खाद के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें कम से कम मात्रा में यूज़ करना होगा, और उसी के साथ में अगर दवाई की बात करें तो सस्ती दवाई जो कि हमारी भूमि को भी उर्वर बनाती है, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और उसी के साथ में अगर शरीर की बात करें
लागत की बात करें और ऊपर की बात करें तो ऑर्गेनिक में 100% रिजल्ट होते हैं, साथ ही साथ किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं होता है। अगर मौसम का प्रकोप ना हो तो ऑर्गेनिक से की गई खेती में बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है, और नॉन ऑर्गेनिक में यदि मौसम का प्रकोप ना भी हो फिर भी कहीं ना कहीं से बेनिफिट में हम लोग बहुत नीचे आ जाते हैं, यानी कि हमें उत्पादन उतना नहीं मिल पाता है जितना एक्चुअल में मिलना चाहिए। तो किसान भाइयों, हम बस इतना ही बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग पेस्टिसाइड से खेती कर रहे हैं और जिस भी शॉप से आप लोग पेस्टिसाइड की दवाइयाँ उठा रहे हैं, पेस्टिसाइड उठा रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा जान समझ कर उठाइए और उसके बारे में पूछिए कि आपको क्या इसके बारे में पता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं, किस चीज़ों से ये तैयार किया गया है और इससे हमारी फसल से क्या फ़ायदा होगा, क्या लॉस होगा, इसके बारे में अगर आप हमें बता सकते हैं तो आप इसकी दवाई दीजिए, अदरवाइज आप पेस्टिसाइड से खेती करना छोड़ दीजिए और ऑर्गेनिक को अपनाइए। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों बाराबंकी से बाराबंकी में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किस फसल में किस लॉस से हमें क्या हो सकता है और उसे हम कैसे बचा सकते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हम आप लोगों को खेती पाती से जुड़ी हुई सारी खबरें देते रहेंगे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाया करें, वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो उसे लाइक करें। थैंक यू।